सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड को ऑनलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, आपकी पर्सनल ब्रांड आपको मार्केट में एक अलग पहचान दिला सकती है। एंड अगर आप भी अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग पर्सनल ब्रांडिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप अपने को एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करें, जिससे लोग आपको और आपके काम को पहचानें, और ये आपके स्किल्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सनालिटी को हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आपकी पर्सनल ब्रांड ये दिखाएगी कि आप किस टाइप के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं, किस तरह का स्पेशलाइजेशन आप ग्राफिक्स में रखते हैं, आपका वर्क एथिक क्या है और लोग आपसे क्यों काम करवाना चाहेंगे। नाउ डिफाइन योर ब्रांड। अपनी ब्रांड को डिफाइन करने के लिए आपको समझना होगा कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, मैं किन वैल्यूज को बिलीव करता हूँ, मेरा पैशन क्या है और मेरे में क्या यूनिक स्किल्स हैं जो मैं सामने वाले को डिलीवर कर रहा हूँ। नाउ इन सवालों के जवाब देकर आप अपनी ब्रांड की यूनिकनेस को सामने वाले को समझा पाएंगे। नाउ बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। इसके लिए आपको एक अपना प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना होगा, जहां आप अपने पोर्टफोलियो को शोकेस कर सकें, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब जगह आपको एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म पर आपकी वॉइस और टोन कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो आपकी पर्सनल ब्रांड को रिफ्लेक्ट करता हो। ध्यान रहे, जो भी कंटेंट आप शेयर करते हैं वो आपके प्रोफेशनल इमेज को इन्हांस करे, ना कि डिग्रेड करे। नाउ इंगेज विद योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ इंगेज करना कभी ना भूलें। जब भी कोई आपके पोस्ट पर कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, उनका प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करें। इससे आपकी ऑडियंस को ऐसा फील होगा कि आप उनकी वैल्यू करते हैं और आपकी ब्रांड के प्रति उनका ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पर वैल्यूएबल कंटेंट को पोस्ट करते रहें, जैसे कि ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी पर्सनल ब्रांड को ऑनलाइन बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी की है। रेगुलर एफर्ट से ही आपकी ब्रांड ग्रो करेगी और आपको डिजायर्ड रिजल्ट भी तभी मिलेंगे। अपने ब्रांड को बिल्ड करें और देखते जाएं कि कैसे आपका नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड होती जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने क्वेश्चंस आप हमें कमेंट में भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहें।